हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रुचिन एंड आई वेलकम बैक यू टू योर पीडिया। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अब वहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए थे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसी आ रही थी, एवरेज आ रही थी। इसको अदर टर्म्स में ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन में आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CrO2 देख रहे थे तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन वॉज कमिंग आउट टू बी 4/3। ओके, तो अब ये कैसे निकालें, इसको कैसे समझें। सो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की सेकेंड लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ओके, सपोज जैसे देखो, यहाँ पे अगर आपको दे रखा है CrO2, ओके CrO2, अब वट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, 3 carbon + 2 oxygen, दैट इज इक्वल टू 0। कार्बन का सी रहने देते हैं, 2 × −2, दिस इज इक्वल टू 0। तो कार्बन का कितना आ जाता है, 4/3। और मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है, किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज है ऊपर, ओके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से जो चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, बट इस ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, क्या कार्बन 4/3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1.33 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर रहा है, ये सही नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आपको गेट में क्या पूछ सकता है, बिकॉज गेट का जो एग्जाम होता है दैट इज़ वेरी स्मार्ट, वो आपसे इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछेगा। गेट 2021 में ऑक्सीडेशन नंबर पे एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर पे एक क्वेश्चन आ चुका है, अब ऑक्सीडेशन नंबर को एवरेज करके वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। सो उसके लिए देखते हैं, कार्बन का CrO2 में, ओके कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, 0 and +2, इनका जब हम एवरेज करते हैं तो वो 4/3 निकल के आता है। ओके, अब ये हम लोग कैसे बता रहे हैं, ठीक है, ये हमें आज के सेशन में देखना है, आज के लेक्चर में यही चीज सीखनी है। तो इसे देखते हैं, देखो यहां से लेट मी रिमूव एवरीथिंग। How to find exact oxidation number? Okay, exact oxidation number बताने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको structure आता हो, कि ठीक है उस compound का structure कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखो, इसके अंदर there are some tricks, दो tricks हैं। जैसे मान लो दो एलिमेंट्स है विथ सिंगल बॉन्ड, ओके अगर सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0, 0। ओके, नाउ अब देखो, ए डबल बॉन्ड ए, सेम एलिमेंट्स ब्रेक होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 0। ए ट्रिपल बॉन्ड ए ब्रेक होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 0। ठीक है, हमारे पास तीन ही बॉन्ड तक होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। अगर दोनों एलिमेंट्स सेम है, ओके दोनों एलिमेंट सेम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या रहेगा, 0, 0। ओके, अब देखो, अगर ऐसा है कि दो अलग अलग हैं, ओके अब यहां पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, यानी बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम लोग ये मान लेते हैं, ओके बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो होगा क्या, जैसे इसको ब्रेक करेंगे, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये -2। वाई, यहां पर यह क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, सेम ये एक इलेक्ट्रॉन को
अपने पास खींचेगा, सिंस यहाँ पे दो है तो दोनों को अपने पास खींच लेगा, बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां से इसको पुल ऑफ करेगा, प्लस थ्री माइनस थ्री, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ओके, बट हमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही नहीं होगा दो में किसका ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एक टेबल ध्यान रखना है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, इन एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम लोग यहां पे लिखते जाते हैं, हाइड्रोजन का है 2.1, लिथियम का ऊपर लिख रहा हूं 1, अब सब में क्या करना है 0.5 ऐड करते जाना है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड देन 4, ठीक है, 3.5 एंड 4, ठीक है। अब लाइकवाइज सोडियम का हम लोग शुरू करेंगे 0.9 से। अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक है ये, 0.33 ऐड करते जाना है, दिस विल बिकम 1.2, 1.5, 1.8, ओके। अब आपको क्या करना है, 1.8 के बाद में नेक्स्ट हमारा आएगा 2.1, ओके 2.1, अब इसके बाद में आपको 0.4 ऐड करना है, 2.4 एंड फाइनली 0.4 ऐड करेंगे सो दिस विल बिकम 2.5 एंड यहाँ पे फाइनली 0.5 ऐड करना है 3। याद रखने का तरीका है, सिर्फ याद रखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं। आपको ये सारा का सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज ध्यान रखना है, तो जब भी आपको दो एलिमेंट्स दे रखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये क्या है, ये दोनों, दीज आर मोस्ट, या फिर इसको बोलते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दीज आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ओके श्योर, अब देखो क्वेश्चन देखना, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस, एक तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और ये आपको याद रहना चाहिए, प्लस बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो। ओके, स्ट्रक्चर का ध्यान होना बहुत जरूरी है। ओके चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, C3O2, ओके C3O2, इसका हम लोगों ने कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, दैट वॉज कमिंग आउट टू बी 4/3 and we called it as average oxidation number, this is the average oxidation number, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ओके और अब ट्रिक वन ट्रिक टू ध्यान रखना, ए डबल बॉन्ड ए, दोनों को ब्रेक करेंगे 0-0, बट अगर ए डबल बॉन्ड बी है एंड अज्यूमिंग दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो यहाँ पे -2 एंड दिस विल बी +2। ओके आया समझ में, चलो अब देखो यहाँ पे हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पिछली स्लाइड पे जाके देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2 +2। अब ये कार्बन और कार्बन का ब्रेक हुआ, सेम है 0 एंड 0, ओके वापस कार्बन एंड कार्बन का ब्रेक हुआ 0 एंड 0, राइट, एंड फाइनली जब हम इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे
तो यहाँ पे माइनस टू एंड प्लस टू, आया समझ में? तो ऑक्सीजन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस टू, दिस विल गिव माइनस टू, जो कि हमारा होता ही है. और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आएगा? एक तो प्लस टू और एक प्लस टू और एक जीरो, तो कितना आएगा? डिवाइड बाय थ्री, दिस विल गिव 4/3. ये हमारे लिए क्या आ गया? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. बट अगर बात करें कि किसी एक सिंगल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस टू. ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, ओके बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको गेट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CrO2, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर 4/3 भी आएगा, 0 भी आएगा, 2 भी आएगा. करेक्ट आंसर क्या है? 2. और गेट में 4/3 भी दे रखा होगा, 0 भी दे रखा होगा, 2 भी दे रखा होगा. ओके, और हो सकता है कि एक नन ऑफ दीज भी दे दे, या फिर ऑल ऑफ दीज कुछ दे दे. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. HCN, ओके HCN, ट्राई करें इसे. HCN कैसा दिखता है? H ट्रिपल बॉन्ड N, ओके अब देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बनाएगा? माइनस थ्री प्लस थ्री. हाइड्रोजन और कार्बन को ब्रेक करेंगे तो क्या बनाएगा? प्लस वन माइनस वन. ओके, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली टेबल है आपके पास में. तो यहां से देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? प्लस वन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन दैट इज प्लस टू. इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन माइनस. लाइकवाइज हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br3O8. ओके, हमने जब डायरेक्टली निकाला था तो क्या कैसे निकाला था? इस तरीके से निकाला था. ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 16/3. ओके, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 16/3. बट अगर हम इसे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ओके Br3O8 स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा यहां पे, सॉरी इस जगह पर, यहां पे देर विल बी सिंगल बॉन्ड्स. ओके, दिस इज गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड. अब देखो मुझे निकालना किसका है? Br का है, ब्रोमीन का है. तो ब्रोमीन का हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा है, इसको ब्रेक करो, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, सारे के सारे ब्रेक करेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला. ओवरऑल कितना आ जाएगा इस पे? ब्रोमीन पे चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस सिक्स, इज इट प्लस सिक्स आ जाएगा? थोड़ा मैं एक साथ लिख देता हूँ, प्लस सिक्स. ओके, अब इस वाले ब्रोमीन को करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से प्लस फोर, सिंस ये तो जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, सेम सेम एलिमेंट है, जीरो सिर्फ इससे और इससे मिलेगा. लाइकवाइज इसे ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? प्लस सिक्स. ओके, तो ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? ओके, अगर आपसे गेट में पूछ लेता है कि आप मुझे बताओ कि Br3O8 में व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन,
मैक्सिमम बताओ, और आपको कुछ भी ऑप्शन दे देगा, 0, 16/3, 4, 6, कौन सा मैक्सिमम है? तो अधिक